बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त कराची के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो यहाँ सक्खर में काम कर रहा हूँ जो कोरोना मुतासरीन हैं। हम डीजी खान भी जा रहे हैं, हम लड़काना भी जा रहे हैं, हम कराची में भी अगर हमसे सर्विसेज मांगी गई हम अपनी सर्विसेज देंगे। हमारी टीमें कराची में राशन बांट रही है उन लोगों के जिनके घर कारोबार बंद हो गए, ठेले बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, गरीब लोग हैं, ये काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए बेताशा मैं हरकतें देख रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि मजाक बना रहे हैं कोरोना को के जी वो तो फंड लेना होगा, गवर्नमेंट को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। भले इन लोगों के जो मामलात हों, ये एक आफत है। 100-150 ममालिक इसकी जद में है। इटली के फिगर सबके सामने आ रहे हैं कि आज 790 जो एक दिन गुजरा 450, उससे पहले 350 और पूरी दुनिया के फिगर अलग आ रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए, अगर ये लॉकडाउन हो रहा है, इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, लोगों को घरों में बंद करने की बात हो रही है, तो आप लोग इस बात को समझो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि टीवी के ऊपर एड चले कि ये मैयत है, देखो दफन हो रही है, किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी की मां थी। इसके बगैर समझिए, एक मुसीबत है, एक वबा है। आप जिस दुकान पे जा रहे हैं, जिस काउंटर पे हाथ रख रहे हैं, वहां अगर कोई कोरोना का पेशेंट हाथ रख के गया है तो वो बीमारी आपके लिए छोड़कर गया है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं सच है। 50,000 डॉक्टरों के साथ बैठ रहा हूं दिन भर, हर एक सर पकड़ के बैठा हुआ है, होगा क्या? और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई मुश्किल सूरत हाल आ गई तो आप कोई अमेरिका और बर्तानिया और यूरोप नहीं हो। तो भाई खुदा के वास्ते अपने किसी प्यारे को खोने से पहले समझ जाओ, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, एक मुसीबत है यार, है तो है। अब ये तजियाकारी के जादू टोना, वो आमिल बाबा दुआएं करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन भाई खुदा के वास्ते सीरियस लो। ऐसे ही नहीं स्कूल बंद हो रहे, ऐसे ही कॉलेज बंद नहीं हो रहे। और मैं हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, फैक्ट्रियां क्यों खुली हुई है? ये प्राइवेट जो कारोबारी लोग हैं वहां जो आ रहा है, एक कोरोना का पेशेंट छीक रहा है, सारे लोग उसकी जद में आ रहे हैं। तो भाई प्लीज, मैं समझता हूं लोगों को साथ देना चाहिए और बहुत 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 जरूरी है। भाई चाइना का शहर वॉन्ग क्लियर हो गया है, लोग अब अपने घरों को जा रहे हैं डॉक्टर्स, तो भाई हम क्यों मरे इस बीमारी से? मैं इतनी सी अपील करूंगा, खुदा के लिए सीरियसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त कराची के लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं। देखिए, मैं तो यहां सक्खर में काम कर रहा हूं जो कोरोना मुतासरीन हैं। हम डीजी खान भी जा रहे हैं, हम लड़काना भी जा रहे हैं, हम कराची में भी अगर हमसे सर्विसेज मांगी गई हम अपनी सर्विसेज देंगे। हमारी टीमें कराची में राशन बांट रही है उन लोगों के जिनके घर कारोबार बंद हो गए, ठेले बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, गरीब लोग हैं, ये काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए बेताशा मैं हरकतें देख रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर कि मजाक बना रहे हैं कोरोना को के जी वो तो फंड लेना होगा, गवर्नमेंट को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। भले इन लोगों के जो मामलात हों, ये एक आफत है। 100-150 ममालिक इसकी जद में है। इटली के फिगर सबके सामने आ रहे हैं कि आज 790 जो एक दिन गुजरा 450, उससे पहले 350 और पूरी दुनिया के फिगर अलग आ रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए, अगर ये लॉकडाउन हो रहा है, इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, लोगों को घरों में बंद करने की बात हो रही है, तो आप लोग इस बात को समझो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि टीवी के ऊपर एड चले कि ये मैयत है, देखो दफन हो रही है, किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी की मां थी। इसके बगैर समझिए, एक मुसीबत है, एक वबा है। आप जिस दुकान पे जा रहे हैं, जिस काउंटर पे हाथ रख रहे हैं, वहां अगर कोई कोरोना का पेशेंट हाथ रख के गया है तो वो बीमारी आपके लिए छोड़कर गया है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं सच है। 50,000 डॉक्टरों के साथ बैठ रहा हूं दिन भर, हर एक सर पकड़ के बैठा हुआ है, होगा क्या? और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई मुश्किल सूरत हाल आ गई तो आप कोई अमेरिका और बर्तानिया और यूरोप नहीं हो। तो भाई खुदा के वास्ते अपने किसी प्यारे को खोने से पहले समझ जाओ, ये फैक्ट है, ये हकीकत है, एक मुसीबत है यार, है तो है। अब ये तजियाकारी के जादू टोना, वो आमिल बाबा दुआएं करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन भाई खुदा के वास्ते सीरियस लो। ऐसे ही नहीं स्कूल बंद हो रहे, ऐसे ही कॉलेज बंद नहीं हो रहे। और मैं हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, फैक्ट्रियां क्यों खुली हुई है? ये प्राइवेट जो कारोबारी लोग हैं वहां जो आ रहा है, एक कोरोना का पेशेंट छीक रहा है, सारे लोग उसकी जद में आ रहे हैं। तो भाई प्लीज, मैं समझता हूं लोगों को साथ देना चाहिए और बहुत 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 जरूरी है। भाई चाइना का शहर वॉन्ग क्लियर हो गया है, लोग अब अपने घरों को जा रहे हैं डॉक्टर्स, तो भाई हम क्यों मरे इस बीमारी से? मैं इतनी सी अपील करूंगा, खुदा के लिए सीरियसली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।